वो फ्लॉक्सासीना 5 दिन खाएंगे, ठीक है। उसी तरह से सभी दवाइयों का डोज होता है। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट के पास गया, उसने 2 खुराक दवा खाई, उसको आराम मिल गया, उसने अगली डोज खाना बंद कर दिया। डॉक्टर जो पढ़ा लिखा वो प्रिस्क्राइब करेगा बेटा कि भले बाकी दवाइयां बंद कर देना बुखार की दर्द की, लेकिन एंटीबायोटिक 5 दिन पूरे खाना, 7 दिन पूरे खाना, 14 दिन पूरे खाना, नहीं तो नुकसान करेगा। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक को आधे पे छोड़ देते हैं, उसका कोर्स पूरा नहीं करते, तो जो बैक्टीरिया है वो 100% नहीं मरते हैं, कुछ 2-4-6-10% बच जाते हैं, और वो अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि अब आप सेम मेडिसिन जब दोबारा उनको देंगे तो वो उनको असर नहीं करेगा। मान लीजिए वो 10 बैक्टीरिया बच गए, अब वो धीरे धीरे मल्टीप्लीकेशन करके अपनी संख्या बढ़ा के लाखों में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपको बीमार करेंगे। अब आप कहेंगे अरे यार पिछली बार तो दवाई खाए थे ठीक हो गया, तब फिर दवाई खाते, अब वो एंटीबायोटिक आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से लड़ने का अपना तोड़ निकाल चुके हैं। इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं। किस तरीके से कर लेती है, जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट ड्रग, आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का वैनकोमाइसिन ड्रग है, इसमें भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। सल्फोनामाइड भी रेजिस्टेंट डेवलप करता है। अमीनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टम, क्लोरमफेनिकॉल, इन सब में भी रेजिस्टेंट डेवलप होता है। अमीनोग्लाइकोसाइड टेट्राग्लाइसाइड में होता है। टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्लुरोक्विनोलोन, ये सभी दवाइयां जो है रेजिस्टेंट डेवलप करती है। यानी इन सभी दवाइयों का जब भी इस्तेमाल करिए, डोज पूरा करिए, ये डॉक्टर साहब को प्रिस्क्राइब करेगा, एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों को बताएंगे। अब बात करते हैं कैसे करते हैं, क्या सबका एक ही मैकेनिज्म है, नहीं, सबके अलग अलग मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि वेनकोमाइसिन जो ड्रग है, ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट ड्रग है, ये कैसे रेजिस्टेंट डेवलप कर देता है, ये एफिनिटी फॉर टारगेट के लिए डिक्रीज कर देता है एफिनिटी। यानी जो ड्रग है जिस बैक्टीरिया को पकड़ के उसके लिए एफिनिटी 100% है, उसको मार रहा है, अगर आपने कोर्स पूरा नहीं किया और रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा तो उस टारगेट के लिए एफिनिटी घट जाएगी। न्यूमोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करता है, वो अल्टर्ड प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन शुरू कर देता है। यानी कि जो पेंसिलिन है वो बाइंडिंग प्रोटीन जो पेंसिलिन जो ड्रग था वो जिस बैक्टीरिया के प्रोटीन को बाइंड करके उसको किल कर रहा था, ये उसी प्रोटीन को ही चेंज कर देंगे। अब जब पेंसिलिन आएगा इस बैक्टीरिया के पास आएगा, ढूंढेगा मेरा वाला प्रोटीन का है, मेरा वाला प्रोटीन का है, इसको पकड़े, वो वाला प्रोटीन तो है ही नहीं क्योंकि इसने उस प्रोटीन को ही चेंज कर दिया। तो इस तरह से उसकी बाइंडिंग एफिनिटी घट जाती है और इस तरह से वैनकोमाइसिन ड्रग क्या करते हैं, रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं। याद कैसे करना है, ये कैसे करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ टारगेट। वहीं पर सल्फोनामाइड की बात करें, सल्फोनामाइड आपको पता है एंटी मेटाबोलाइट एंटीबायोटिक है, थोड़ी देर पहले देखा था, ये मेटाबॉलिक पाथवे को ही अल्टरमिनेट कर देता है। अगर सल्फोनामाइड ड्रग आपने पूरा नहीं खाया, कोर्स पूरा नहीं किया, बैक्टीरिया बच गए बॉडी में, तो वो इतने होशियार होते हैं कि वो पहले क्या करते थे, अपने बॉडी में फोलिक एसिड का इस्तेमाल, पहले अपने बॉडी में डीएनए वगैरह बनाने के लिए पावा का इस्तेमाल करते थे, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब जब ये देखेंगे कि पावा को ही तो इनहिबिट, सल्फोनामाइड कैसे काम करता है, सल्फोनामाइड इस पावा को ब्लॉक कर देता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ब्लॉक कर देता है, जिससे बैक्टीरिया को मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, बैक्टीरिया मर जाता है। अब ये क्या करेंगे, इतने होशियार है, ये क्या करेंगे, पावा को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ये फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और जब ये फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, पावा का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, अब आप सल्फोनामाइड देते रहिए, क्योंकि सल्फोनामाइड तो पावा में काम करता है। अब पावा इसके पास तो है ही, इसके पास तो फोलिक एसिड है, तुम करो जो करना है, हम तो कुछ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये रेजिस्टेंट डेवलप कर रहा है यहाँ पे। वहीं पे हम अमीनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टम और क्लोरमफेनिकॉल की बात करें, ये कैसे रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं, ये एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे इन सब के पास एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज, वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम पे बाइंड करता है और वहां पे उसको इनहिबिट करके बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम को ही इनएक्टिवेट कर देंगे, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ही इनएक्टिवेट कर देंगे। जब ये एंजाइम ही इनएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या पेंसिलिन, क्या सिफेलोस्पोरिन, क्या क्लोरमफेनिकॉल किसी को मार ही नहीं पाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंट डेवलप होते, बस आपको याद करना कौन सा एंटीबायोटिक किस तरह से रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं। अगला है अमीनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन, ये परमिबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। मतलब ये जिससे टेट्रासाइक्लिन क्या हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस रहा था प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने के लिए, तो उसकी परमिबिलिटी को, मतलब राइबोसोम से बाइंड करने की एफिनिटी को कम कर देगा। वहीं पर टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोल्स जो होते हैं वो इफ्लक्स पंप की तरह काम करते हैं, यानी उसको बाहर निकालने का काम कर देते हैं बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक्स को एक्शन में नहीं आने देते। ये सभी अलग अलग क्लासिफिकेशन रेजिस्टेंस कैसे होता है।
वही कुछ एग्जाम्पल आपसे एग्जाम्पल है तो सुपर इन्फेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया जो है वो। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन और वीडियो से।